अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर कहां कहां हमला किया, हूती के हमलों का यूएस ने कैसे दिया विध्वंसक जवाब, विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। अमेरिका ने जॉर्डन हमले में 3 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। यूएस ने इराक और सीरिया में भीषण एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों के 85 ठिकानों पर बारूदी बारिश कर तबाही मचाई है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य गुट पर भी निशाना साधा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर विध्वंसक प्रहार किया गया। अल अनबर इलाके में IRGC के ठिकानों को बारूद बरसाकर धुआं धुआं कर दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद कताइब हिजबुल्ला के रॉकेट बेस तबाह हो गए। अमेरिकी B-1B बॉम्बर ने सीरिया इराक में भारी तबाही मचाई है। F-15E और A-10C लड़ाकू विमानों ने एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी हमला बोला। थंडरबोल्ट विमान से कुछ फोर्स पर अटैक किया गया। हमले में 125 तरह के गाइडेड वेपन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने सीरिया के अल बुकामल इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक की है। ईरान समर्थित गुट के ठिकानों पर बमबारी के बाद काफी नुकसान की खबर है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान समर्थित गुट के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। अमेरिकी स्ट्राइक में इराक में मौजूद हिजबुल्ला के लॉन्चर साइट भी ध्वस्त हो गए। अल कैम इलाके में अमेरिका की भीषण एयर स्ट्राइक के बाद मिसाइल डिपो में आग लग गई। हमले के बाद जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। सीरिया इराक पर हमले के बाद पेंटागन ने दावा करते हुए कहा है कि हमले अमेरिकी बेस पर हुए अटैक का बदला है। पेंटागन ने कहा है कि यूएस एयर स्ट्राइक में ईरान समर्थित गुटों के कई ठिकाने तबाह हो गए। यूएस बॉम्बर्स ने दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो तबाह कर दिए हैं। इराक सीरिया के बाद यमन को भी अमेरिका ने दहला दिया है। लाल सागर में लगातार हमले कर रहे हूती के ठिकानों पर यूएस ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। उत्तर पश्चिम यमन में सदा के नजदीक अमेरिका ने हमला कर हूती के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ताइवान क्यों कर रहा है जंगी तैयारी, विश्व में और क्या हो रहा है, आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। इजरायली सेना ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायल ने दावा किया है कि हमले में ईरानी IRGC एडवाइजर सईद अली दादी की मौत हो गई है। बंदर अब्बास पोर्ट में रईसी के दौरे के बीच IDF ने गोलान हाइट्स में एयर स्ट्राइक की है। हूती विद्रोहियों ने फिर कहर बरपाया है। हूती ने इलात इलाके में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायल ने हूती के मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हूती के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लाल सागर में हूती का आतंक जारी है। पश्चिमी देशों के शिप पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों के डर से फ्रांसीसी कंपनी CMA को अपना रूट बदलना पड़ा। मैसर्क समेत कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से रास्ता बदल लिया है। रेड सी में हूती ने अब तक 40 शिप को निशाना बनाया है। अमेरिका को ईरानी मलेशिया ने बड़ी धमकी दी है। अलनुजाबा अकरम अल काबी ग्रुप ने कहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी मलेशिया ने साफ किया कि जब तक इराक में अमेरिकी फौज रहेगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। ईरान विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान को डर सताने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फरमान जारी कर कहा है कि अमेरिकी बेस पर हमला करने वाले गुटों से दूर रहें। ये दावा अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान जंग की तैयारी में जुट गया है। ताइवानी सेना एडवांस हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है। फाइटर्स, मिसाइल और सबमरीन से ताइवान की सेना युद्धाभ्यास विध्वंसक वॉर की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही PLA ने ताइवान की सीमा पर वॉर एक्सरसाइज की थी। ताइवान चीन से दो दो हाथ करने की तैयारी में है। वो चीन से मुकाबला करने के लिए दूसरे देशों का समर्थन जुटाने लगा हुआ है। चीनी एग्रेशन के खिलाफ ताइवान ने ब्रिटेन से गुहार लगाई है। ताइवान ने दूसरे पश्चिमी देशों से अपील करते हुए कहा है कि चीनी ब्लॉकेट से दुनिया को काफी नुकसान है। चीन ने एक साथ 11 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट्स को सिचुआन प्रांत स्थित शिचेंग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे गए इन सैटेलाइट का मकसद ऑटोनोमस कारों के लिए सटीक नेविगेशन उपलब्ध करवाना है। यूरोप में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कई दिनों से सड़कें जाम कर रहे किसानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने EU पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाटर कैनन से प्रहार किया। उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए रबड़ की गोलियों से भी फायरिंग की गई। गाजा में इजरायली सेना ने कहा कि यह बमबारी गाजा में 24 घंटे में कितने लोगों की मौत हुई है, विध्वंसक खबरों के लिए देखते हैं इजरायल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9।
गाजा में इजरायली फोर्स का बारूदी हमला जारी है। गाजा के बेत लाहिया इलाके में IDF ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायल ने तमीम अल तारी मस्जिद पर भारी बमबारी की है। विध्वंसक हमले में मस्जिद ध्वस्त हो गई। इसराइल ने गाजा में विध्वंसक हमले को अंजाम देने वाले स्पेशल कमांडो का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना की पकड़ मजबूत होने के बाद ये जवान अब इसराइल लौट रहे हैं। इन जवानों ने सैकड़ों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, कार्रवाई में सैकड़ों हमास लड़ाकों को ढेर किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है। इजरायली सेना बुलडोजर के जरिए आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के काम में जुटी है। नेबल्स के बलाटा शिविर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों ने हमला बोल दिया। गाजा में पिछले 119 दिनों से इजराइल हमास के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। इजरायली सेना के हमले में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में पिछले 24 घंटों में 112 लोग मारे गए हैं, जबकि 148 लोग घायल हुए हैं। गाजा में फिलहाल सीज फायर के आसार नहीं दिख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि हमास में अंदरूनी लड़ाई की वजह से सीज फायर नहीं हो पा रहा है। हमास के गुटों के बीच सीज फायर और बंधकों की रिहाई को लेकर आपस में सहमति नहीं बन पा रही। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाए बिना सीज फायर नहीं होगा। वॉर कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता नहीं होगा। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ IDF की कार्रवाई जारी है। लेबनान से सीज फायर को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिजबुल्ला पर विध्वंसक हमला जारी रहेगा।